नमस्ते, देबसमिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम मसाला मैगी नूडल्स बनाएंगे। शुरू करने से पहले एक बात कह लेती हूँ, अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल के आइकन आता है उसे जरूर दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। प्रमोशन बहुत हो गए, आइए चलते हैं रेसिपी बनाने के लिए। मसाला मैगी नूडल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होता है आइए देख लेते हैं। दो नूडल्स केक में ली हूँ। दो नूडल्स केक के लिए मैं करीब 50 ग्राम ग्रीन मटर ली हूँ, 50 ग्राम पत्ता गोभी बारीक से कट कर ली हूँ, 50 ग्राम गाजर बारीक से कट करके ली हूँ, 1/4 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटी हुई, मिर्ची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, आप इसके जगह हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर 1 बारीक कटी हुई, हरी धनिया बारीक कटी हुई, ऑयल 1 टेबल स्पून। आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले गैस को ऑन करते हैं, पैन को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। पैन हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को थोड़ी सी गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ी सी चला लेते हैं। प्याज को ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। देखिए प्याज हल्का ब्राउन कलर हो गई है, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गैस को मीडियम कर लेते हैं, अभी ग्रीन मटर डाल देते हैं। इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। 1 मिनट हो गई है, अभी हम इसमें पत्ता गोभी को डाल देते हैं, साथ में टमाटर को भी डाल देते हैं। गैस को बिल्कुल धीमी पर रख के इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गई है, अभी हम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारी पक गई है, अभी हम इसमें सारे मसाला डाल देते हैं। नमक 1/4 छोटी चम्मच से भी कम डालेंगे, मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं, जीरा पाउडर डाल देते हैं। सारे मसाला को अच्छे से मिलाएंगे, 30 सेकंड के लिए इसको इस तरह चलाएंगे। मैगी मसाला को डाल देते हैं। 2 के लिए मैं 2 पाउच मैगी मसाला ली हूँ। इस तरह से 2 मैगी मसाला को डाल देंगे, अच्छे से मिला देते हैं। हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी 400 ml डालेंगे। गैस को हाई करके इसे 1 उबाल आने तक ढक देते हैं। देखिए पानी में उबाल आ रही है, अभी हम मैगी नूडल्स को डाल देते हैं। इस तरह टुकड़ा टुकड़ा करके मैगी नूडल्स को डाल देंगे। दोनों नूडल्स केक को इस तरह डाल देंगे। इसको थोड़ी सी ऐसे चला लेते हैं। गैस को मीडियम करके इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गई है, अब हम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। देखिए मैगी का कलर कितना अच्छा आई है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं, गरम मसाला डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिलाएंगे। आधा मिनट के लिए इसे ढक देंगे, गैस को हाई कर देंगे ताकि गरम मसाला और धनिया के पत्ता की खुशबू मैगी में अच्छे से मिक्स हो जाए। 30 सेकंड हो गई है, अभी हम कवर को निकाल देते हैं, मैगी को चेक कर लेते हैं। देखिए मैगी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं, इसे सर्व करने के लिए एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती में इसको ग्राइंड से कर लेते हैं।
ये बहुत टेस्टी मसाला मैगी नूडल्स बनी है, आप इसको बनाइए, खाइए, आपको कैसा लगा मेरे चैनल पर शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे लाइक का बटन है, एक बार लाइक कर देना और शेयर करना। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी।